अगर आपकी भी दाढ़ी में लाल या भूरे बाल आ गए, यानी जो आपकी बियर्ड की हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, अगर उसमें कहीं ना कहीं रेड एंड ब्राउन हेयर आने लग गए हैं, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, तो इनको काटना चाहिए या फिर इनको रिमूव करना चाहिए, जिससे ये काले कैसे होंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर कमेंट्स भी आ रही थी और इंस्टा पर मैसेज भी काफ़ी सारे आ रहे थे, सर हमारे एक दो बाल दाढ़ी में भूरे या ब्राउन या रेड आने लग गए हैं, तो हमें उनको काटना चाहिए या फिर उनको रिमूव करना चाहिए जिससे कि वो दोबारा काले हो जाए। तो देखो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप चाहे उसको काटो चाहे आप उसको रिमूव करो, लेकिन इसके बावजूद भी वो वैसे के वैसे दोबारा होने लग जाएंगे। लेकिन आपको एक और प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दाढ़ी है उसका कहीं ना कहीं कलर चेंज हो रहा है, चाहे वो एक या दो बाल हो, वैसे तो ये नॉर्मली होता है, लेकिन ये कई दिनों तक कई महीनों तक अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आपकी पूरी दाढ़ी और पूरी जो आपकी बियर्ड है वो कहीं ना कहीं रेड एंड ब्राउन होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप काटो चाहे आप रिमूव करो। लेकिन इसका जो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है वो यही होता है, आप जो बाल आपके ब्राउन या रेड आ रहा है आप उनको रिमूव कर सकते हो, खींच कर निकाल सकते हो। अगर आप उनको काटोगे तो वो जल्दी से वो ग्रोथ हो जाएंगे। तभी भी ये प्रॉब्लम जो रहेगी ना, आपकी टेम्परेरी प्रॉब्लम आप कर सकते हो इसका सोल्यूशन, लेकिन आप परमानेंट सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि हमारी दाढ़ी का कलर चेंज हो रहा है, हमारी दाढ़ी हम काली घनी मोटी कैसे करें, तो आप ई बी एम 400 विटामिन ई जो कैप्सूल रहता है, आप इसके अंदर जो ऑयल निकलता है, जो कैप्सूल के अंदर जो ऑयल निकलता है, आप चाहो तो जो आपके बियर्ड के वो दो तीन चार बाल हैं आप उन पर भी ये लगा सकते हो, या फिर आप आपकी पूरी दाढ़ी पर भी इसको लगा सकते हो। इससे बियर्ड की ग्रोथ होती है और इससे आपका फेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दो हेयर्स पर इसका यूज़ करेंगे या फिर पूरी बियर्ड पर ही इसका यूज़ करेंगे। इससे बियर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और इससे जो बाल आते हैं वो परमानेंटली बाल आते हैं, चाहे आपकी दाढ़ी नहीं आ रही हो। अगर आपको दाढ़ी भी उगाना है, पूरी काली घनी मोटी दाढ़ी उगाना है, तो आप इस ई बी एम विटामिन 400 जो कैप्सूल आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका यूज़ नाइट में करना है आपके फेस को वॉश करके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरी बियर्ड पर इसका यूज़ करते हैं या फिर वो दो तीन चार जो बाल हैं उसको काला करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आपने जो सबने जो क्वेश्चंस किए थे मैंने इस वीडियो में वो आंसर दिए। अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चन है तब भी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।